सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रोफेशनल चैनल बैनर आर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो कुछ ही मिनटों में और उसे सेट कर सकते हो कुछ ही मिनटों में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब चैनल बैनर होता क्या है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करो, वहाँ पर आपको दिखेगा एक रेक्टेंगल साइज का जो इमेज होता है, उसी को चैनल बैनर आर्ट कहा जाता है। और स्टार्ट करने से पहले आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ घंटा वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले कंटिन्यू। सो गाइस, तो जैसा कि मैं आपको बताऊं तो आप अपने यूट्यूब चैनल का बैनर बनाने के लिए आपको पिक्सेल लैब या पिक्सआर्ट या कैनवा तीन एप्लीकेशन से यूज़ कर सकते हो। बट मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैनवा एप्लीकेशन से कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो फटाक से कैनवा एप्लीकेशन को ओपन करना होगा एंड ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे लिखना होगा यूट्यूब बैनर। तो जैसा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूट्यूब चैनल बैनर आर्ट, तो यूट्यूब चैनल बैनर आर्ट और यहाँ पे लिख के टैप कर देना होगा। एंड टैप करने के बाद आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ब्लॉगिंग या टेक्निकल आपका जिससे भी रिलेटेड हो आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर देना होगा। और जेम चप्पल के लिए मैं यहाँ पे यह वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसा कि टैक्स मेरा रिलेटिव है तो मैं यहाँ पे टैक्स सिलेक्ट करूँगा, तो मैं ये वाला सिलेक्ट करूँगा। ये वाला दिखने में कुछ राइट लग रहा है। एंड सिलेक्ट कर देने के बाद जैसा कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ तो ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको जो है यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करके एल्यूम यहाँ पे गैलरी पे जो है आपको ये इस PNG को ऐड करना होगा। तो इस PNG का लिंक आपको मिल जाएगा, ये आपके यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको यहाँ पर टैप करना होगा तो चैनल यूट्यूब चैनल बैनर PNG तो आपको यूट्यूब पे या वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर फटक से मैं उसे ऐड करता हूँ। तो ऐड करने के लिए ये जो PNG है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। एंड ऐड करने के बाद इसको जो है एडजस्ट कर लेना है अपने यूट्यूब से इस पर। तो इसको एडजस्ट कर लेने के बाद जैसा कि देख सकते हो आपको या ये वाला जो लेयर दिख रहा है ये वाला ब्लैक वाला, आपको इसी के अंदर जो है अपना सारा कुछ करना होगा क्योंकि ये इसी के अंदर जो है आपके यूट्यूब चैनल पे दिखने वाला है। तो फटाक से मैं इसे ऐड करता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर पहले जो है मैं अपना टेक्स्ट ऐड करूँगा, यहाँ पर जो मेरा चैनल का नेम है यहाँ पर पहले मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये डिलीट एलिमेंट पर क्लिक किया एंड उसके बाद फिर से डिलीट कर दिया। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, देखने में कुछ राइट नहीं लग रहा। फिर आपको यहाँ पर टेक्स्ट लेनी होगी, अपने यूट्यूब चैनल का जो नेम है वो आपको यहाँ पर टैप करना होगा। तो टेक्स्ट का ऑप्शन जो जैसा कि देख सकते हो पहला वाला ऑप्शन है एड ए हेडिंग, तो आपको यहाँ पर टैप करना होगा और इसको जो है एडिट कर देंगे। एडिट कर देने के बाद जो है यहाँ पर आपको टैप करना पड़ेगा 55 टेक्निकल। तो यहाँ पर इसको जो है एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, जैसा कि मैं आपको तो ब्लैक लेयर के अंदर ही आपको जो सारा कुछ करना होगा तो इसको ऐसे कर देना है। आप चाहो तो इसे फॉन्ट वाला दे सकते हो, अपने मनपसंद का जो भी फॉन्ट आपको पसंद है और यहाँ पे जो भी आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। ये वाला राइट, ये वाला दिखने में कुछ शाइनी दिख रहा है और अच्छा भी लग रहा है देखने को, तो मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपको इसका नीचे में भी लिख देना है, जैसा कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। करने के बाद आपको यहाँ पे आप अपने यूट्यूब चैनल पे क्या क्या देते हैं और इसका जो है डुप्लीकेट को यहाँ पे टैप कर देना होगा। एज एग्जाम्पल के मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ ऑल एवर टैग, अगर आप चाहो तो कुछ भी दे सकते हो या आप अपने यूट्यूब चैनल पर क्या क्या देते हो तो आप यहाँ पर लिख देते हो। तो ऑल एवर टैग में यहाँ पर एज एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर टैप कर, और आप यहाँ चाहे तो अपने एलिमेंट को भी ऐड कर सकते हो। तो एलिमेंट पर टैप करना है और एलिमेंट पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको लिख देना है टेक्निकल या टेक्नोलॉजी, यहाँ पे टैप कर देना है। एंड टैप कर देने के बाद आपके सामने जैसा ढेर सारा एलिमेंट आ जाएगा, तो एज एग्जाम्पल मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे एडजस्ट कर लेना होगा। एडजस्ट कर लेने जैसा कि मैं यहाँ पर यह टेक्निकल से रिलेटिव है, आपका जिससे भी रिलेटिव है आप यहाँ पर टैप करके दे देंगे और यहाँ पर कर देंगे। आपका चाहे तो इसे कलर भी एडजस्ट कर सकते अपने हिसाब से। रेडिया मैं रेडी दे देता हूँ, जो भी कलर देना हो दे दीजिएगा। वाइट वाला कलर जो है येलो पे दे देता हूँ तो राइट नहीं लग रहा है, ये वाला देने के बाद कुछ राइट लग रहा है। तो ये वाला मैं अपने हिसाब से जैसा आपको पसंद है आप वहाँ पे टैप कर सकते हो। तो ये वाला जो है कुछ ठीक लग रहा है देखने के लिए। इसका जो है पोजीशन आई मीन ट्रांसपेरेंसी है वो घटा के देनी है, तो ऐसे लगेगा कि आई मीन अगर तो ये जो है बैकग्राउंड में लग जाएगा। इसका ट्रांसपेरेंसी है आप अपने हिसाब से बड़ा घटा सकते हो, तो ये फुली राइट है। एंड इसके बाद जो है आप चाहे तो इसे और एक दो एलिमेंट और ऐड कर सकते हैं।
तो एलिमेंट यूज करेंगे, एलिमेंट पे टैप करना होगा, प्लस वाले आइकन पे टैप करके एलिमेंट, उसके बाद ये वाला प्रोसेसर वाला कुछ राइट लग रहा है, इसको भी एडजस्ट कर देता हूँ अपने हिसाब से। तो ये इसको ये साइड, तो इसको ये साइड मैंने धर दिया, इसका ये थोड़ा दिखने में सही नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको यहाँ पे धर देना है, उसके बाद फिर से आपको एलिमेंट पे टैप करना होगा, यहाँ पे दे देना है यूट्यूब। तो यूट्यूब का जो है आइकन, यूट्यूब टैप करना होगा एंड यूट्यूब का आइकन आएगा, आपको यहाँ पे इसको जो है इसको भी एडजस्ट करके यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे थोड़ा और छोटा करेंगे इसको, तो यूट्यूब दे देंगे और फिर प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, यहाँ पे फेसबुक, अपने सोशल मीडिया का हैंडल जो है वो भी दे सकते हो। तो इसी टाइप से जो मैंने कुछ एलिमेंट ऐड किए, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो ऐसे आपको ऐड कर लेना है। ऐड कर देने के बाद आपको यहाँ पे फिर से जो है आपको ऑल ओवर टैब पे सिलेक्ट करना होगा, इसका जो है डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको लिख देना होगा इसका जो, इसको एडिट कर लेना होगा डबल टैप वाले, डबल टैप करके, तो डबल टैप मैंने किया, इसको जो है एडिट कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे जो है उस पर टैप करेंगे और एडिट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे फिर से एडिट कर लेना है। तो इसको जो है एडिट करने के लिए यहाँ पे लिख देना है फॉलो सोशल मीडिया, ऐसे लिख सकते हो। तो फॉलो ऑन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉलो ऑन लिख देने के बाद आप यहाँ पे फॉलो ऑन लिख दिया, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको फॉलो ऑन को थोड़ा साइज जो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी होगी, एंड एडजस्ट कर लेंगे या बाद यहाँ पे जो है इसका सोशल मीडिया वाले ऑप्शन पे यहाँ पे सेलेक्ट कर देना होगा। फिर से आपको जो है प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करके एलिमेंट जो इस वाले एलिमेंट को ऐड करना होगा, तो सेव यहाँ से एलिमेंट टैप कर लेना होगा, सेव यहाँ पे सेव टैप कर लेना होगा। सेव टैप कर लेने के बाद आपको कोई सा भी सेलेक्ट कर देना है, सेलेक्ट कर देने के बाद जैसा कि ये वाला मैंने सेलेक्ट किया, और इसे जो है आपको क्रॉप करना होगा, तो अपने हिसाब से क्रॉप कर लीजिएगा। तो क्रॉप कर लेने के बाद इसको जो है साइजेबल कर देना है, साइजेबल कर देने के बाद आपको इसको जो है छोटा कर देना है। तो छोटा कर देने के बाद जो है आपको यहाँ पे इसको जो है पहले जो है इसका जो कलर चेंज करना होगा, कलर जो कलर देना चाहते हो आप यहाँ पे दे सकते हो। दे देने के बाद आपको यहाँ पर इसका जो पोजिशन वाला ऑप्शन दिख जाएगा आपको यहाँ पर, एंड उसके बाद जो है बैकवर्ड पर सिलेक्ट कर देना है इसे। तो बैकवर्ड में सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे इसको जो है पोजीशन में टैप किया एंड बैकवर्ड सेलेक्ट कर देने के बाद जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो कुछ अच्छा वाला लुक आ रहा है, एंड तो यहाँ पे जैसा कि आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसको जो है एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। तो सेप को जो है तो एडजस्ट कर लेना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको दे दिया, और आप चाहो तो इसे छोटा भी कर सकते हो, तो इसको जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। एंड आप और चाहे तो इसमें जो है कस्टमाइज़ कर सकते हो, तो मैं फिलहाल के लिए इतना ही कस्टमाइज़ किया, एंड उसके बाद जो है अपलोड वाले सेक्शन पर टैप करके इसे अपलोड कर देना है, सेव एस इमेज पर टैप कर देना है, एंड सेव जैसा कि सेव हो जाता है। तो चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब चैनल बैनर को सेव कैसे करना है। तो यूट्यूब बैनर को सेव करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। तो क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते ही आपके सामने जो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, तो आपको यूट्यूब वाला ऑप्शन पर टैप करना होगा, एंड YouTube का आइकन जो जैसा कि दिख रहा होगा आपको अपलोड वाला सेक्शन, यहाँ पे आपको टैप करके डेस्कटॉप साइट पर आपको एनेबल कर देना होगा। तो आपको डेस्कटॉप साइट में जो YouTube है वो ओपन हो जाएगा और ये डेस्कटॉप साइट बन जाएगा, एंड डेस्कटॉप साइट बन जाने के बाद आपको यहाँ पे लोगो वाले आइकन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे टैप करके आपको जिस वाले जीमेल अकाउंट को या यूट्यूब चैनल पर आप चैनल बैनर आर्ट लगाना चाहते हो आपको वहाँ पर स्विच कर देना है। एंड स्विच कर देने के बाद आपको योर चैनल का ऑप्शन दिख रहा होगा, एंड योर चैनल का ऑप्शन दिख जाने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे जूम करना होगा, कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पे टैप करना होगा। एंड कस्टमाइज चैनल पे टैप कर देने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो जैसा कि यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो studio.com YouTube का बीटा वर्जन क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो रहा है। एंड ओपन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे जूम इन करना होगा। जूम इन करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद ब्रांडिंग पे सिलेक्ट करना है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फॉर द बेस्ट रिजल्ट जैसा कि मैंने क्रिएट किया इतना पिक्सल में, और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे कोई सा भी चैनल बैनर नहीं लगा हुआ है, आपको अपलोड वाले सेक्शन में टैप करना है, और आपका जिस जहाँ पे भी हो आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, जहाँ पे अपनी फाइल में है आपको वहाँ से सिलेक्ट करना है।
तो जैसा कि मैं अपने फाइल से सिलेक्ट कर लिया हूँ, एंड सिलेक्ट कर देने के बाद आपको यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो अब व्यू एवर ऑन टीवी का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे टैप करोगे तो कोई भी अगर आपके यूट्यूब चैनल को टीवी में देखता है तो वो आपको जो है फुल फिगर का ऑप्शन आएगा। एंड उसके बाद जो है डेस्कटॉप, यहाँ पे जो है दूसरा जो ऑप्शन है वो डेस्कटॉप, तो कोई भी डेस्कटॉप में यूज़ करेगा तो आपको इसको ये नज़र में आएगा। तो ये फिर से गायब हो गया, फिर से मैं इसे अपलोड करता हूँ। तो फाइनली जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो व्यू एवर ऑन डेस्कटॉप, एंड उसके बाद जो है व्यू एवर ऑन डिवाइस। तो जैसा कि यहाँ पे मैं टैप करूँगा तो जैसा कि यहाँ पे ऑल डिवाइस में ये सपोर्ट होगा। तो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप, जैसा कि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल वो डेस्कटॉप में सेव होता है, तो डेस्कटॉप सेट में इसे सेव किया एंड डन पे सिलेक्ट कर देना। अगर डन पे सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपको सेव नहीं होगा। उसके बाद जो है पब्लिश वाला ऑप्शन पे टैप कर देना होगा, तभी टैप करोगे तभी आपका जो है वो होगा, वरना नहीं होगा। एंड पब्लिश वाला ऑप्शन पे टैप किया एंड उसके बाद जो है कुछ टाइम लग रहा है, एंड टाइम लगने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। तो पब्लिश हो जाने के बाद जैसे कि यहाँ पर गो टू चैनल का ऑप्शन आ गया है नीचे में, तो गो टू चैनल का ऑप्शन आ गया है और जाके आप अपने चैनल पे देख सकते हो यहाँ पे सेव हो गया। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ हो गया है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल, जितना शानदार लग रहा है देखने में हमारा चैनल। तो आप ऐसे ही इन मेथड को यूज़ करके आप अपने यूट्यूब चैनल पर चैनल बैनर को क्रिएट करके अपने यूट्यूब चैनल पर ऐड कर सकते हो कुछ ही मिनटों में। तो जैसा कि मैं बता दिया, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको यूट्यूब टिप्स एंड और अदर ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी वाली वीडियोस मिलती है। तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ घंटा वाले बेल आइकन को भी प्रेस। What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put it all in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Hey, what you know about rolling down?